प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आयुष्मान कार्ड जो लॉन्च किया गया है इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज सालाना फ्री में किया जाता है, यानी कि पर व्यक्ति जिसके भी नाम का आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है, जो भी इसकी पात्रता रखता है वो किसी भी ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकता है। लेकिन अगर किसी भी ऐसे मेडिकल या किसी भी ऐसे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के द्वारा ये कहा जाता है कि आयुष्मान कार्ड यहाँ पर वैलिड नहीं है, या फिर आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, आपका इलाज नहीं किया जाता है, आपसे दुर्व्यवहार किया जाता है, आपको वहां से भगा दिया जाता है, तो आप इसकी डायरेक्ट शिकायत प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन पोर्टल पर कर सकते हैं और इमिडिएटली वहां पर एक्शन लिया जाता है। अगर आपसे किसी प्रकार के पैसे की डिमांड की गई है और आपने पैसे जमा भी किए हैं, तो अभी अभी लेटेस्ट न्यूज में बताया गया था कि पर व्यक्ति को जिनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है या जिनको भी ये कहा गया कि आयुष्मान कार्ड वैलिड नहीं है और पैसे लिए गए हैं, उनको 30-30 लाख रुपए पैड करना पड़ा है हॉस्पिटल्स को, यानी कि हॉस्पिटल्स ने कैंडिडेट्स को, हितग्राहियों को पैड किया है। आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना होती है, पीएम जो हेल्थ कार्ड है उसको अगर रिजेक्ट किया जाता है, तो आप इसकी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत जो लॉन्च किया गया है आयुष्मान कार्ड, इसको अगर इनवैलिड बताया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा, आपका इलाज नहीं किया जाता, पैसे की डिमांड की जाती है, तो आप इसकी कैसे कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं, चलिए चलते हैं देख लेते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको pmjay.gov.in वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पोर्टल पर आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट गूगल के सर्च बॉक्स पे pmjay.gov.in सर्च करेंगे तो आप इसी पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ESIS के लाभार्थियों को और आयुष्मान भारत से रिलेटेड जितनी भी सेवाएँ हैं सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ पर भी आपका आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत लाभ मिलता है वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको आरोग्य मंथन 3.0 का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रीवेंस पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। आप सक्सेसफुल रिडायरेक्ट हो जाएंगे सेंट्रल ग्रीवेंस रेडरेसल एंड मैनेजमेंट पोर्टल पर, तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करनी है, या फिर अगर आप पहले से किसी ग्रीवेंस को रजिस्टर करके रखते हैं तो यहाँ से आप उसे ट्रेस भी कर सकते हैं। अपनी नई ग्रीवेंस रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर योर ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। आपके सामने एक पॉपअप डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आपको अपनी ग्रीवेंस का टाइप चूज़ करना है, जैसे कि आप किसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन के लिए करना है आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड, या फिर CAPF के लिए, या फिर ESIC के लिए, या फिर BOCW के लिए। तो जैसे अभी हम बता रहे हैं PMJAY के लिए, तो इसे चूज़ करेंगे, देन रजिस्टर। एक ग्रीवेंस फॉर्म आपके सामने ओपन होगा जहां पर आपके जनरल डिटेल्स फिल करने के ऑप्शंस मिलेंगे। यहां पर ग्रीवेंसेस बाय बेनिफिशरी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा ये रिक्वेस्ट देनी है, ये ग्रीवेंस रजिस्टर करानी है, या हॉस्पिटल के द्वारा रजिस्टर करानी है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के द्वारा करानी है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा करानी है। जैसे कि आप एक पार्टिकुलर अपना देना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद केस टाइप, तो आपको यहाँ पर केस टाइप कंप्लेन है, इंक्वायरी है, रिक्वेस्ट है या सजेशन है। अगर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कंप्लेन पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। कोई रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं सजेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारी यहाँ पे कंप्लेन है तो कंप्लेन पे क्लिक करते हैं। देन आर यू इनरोल्ड अंडर ABPMJAY, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। देन आपको स्टेट चूज़ करना है, यहाँ से जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। इसके बाद है PMJAY नंबर, तो आपको अपने PMJAY ID का नंबर फिल करना है, देन रिट्रीव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रिट्रीव पे क्लिक करते हैं ID नंबर फिल करने के बाद, तो यहाँ पर बेनिफिशरी की सारी डिटेल्स आपके कार्ड ID नंबर से ले ली जाती हैं, जैसे कि बेनिफिशरी का नेम, बेनिफिशरी का जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर ले लिया जाता है।
अगर आप किसी दूसरे का कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल्स हाइड हो जाएंगी, तो ऑटो फिल आप इसे कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, देन आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद है मेन टॉपिक ग्रीवेंस डिटेल, आप किसके बारे में ये करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल के अगेंस्ट करना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट करना चाहते हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस नोडल ऑफिसर के विरुद्ध करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसे चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम हॉस्पिटल चूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ग्रीवेंस चूज़ करना है कि किस प्रकार की शिकायत है। अगर आपके हॉस्पिटल के स्टाफ से बिहेवियर के द्वारा है तो आप उसे चीज़ चूज़ करेंगे, या फिर चार्ज मनी फॉर प्रिंटिंग ई कार्ड, ई कार्ड के लिए आपसे अगर कोई मनी का चार्ज लिया गया है, या फिर डिनाइड ट्रीटमेंट, आपको ट्रीटमेंट करने से मना किया गया है तो आप उसे चूज़ करेंगे, जैसे या फिर ई कार्ड नॉट प्रोवाइडेड, डिस्प्यूट एलिजिबिलिटी या फिर एलिजिबिलिटी या फिर कोई और शिकायत है तो आप यहाँ पर पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रांजेक्शन डिटेल नॉट प्रोवाइड, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रीटमेंट करने से मना किया गया है तो हमने यहाँ पर इसे चूज़ किया, देन यहाँ पर आप स्टेट चूज करेंगे। इसके बाद इस पेशेंट इज स्टिल इन हॉस्पिटल, अगर पेशेंट आपका अभी तक हॉस्पिटल में है तो आप यस चूज़ करेंगे, नहीं तो नो चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आप पूरी यहाँ पर अपनी डिटेल्स बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या सलूक किया गया है या फिर क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, 3000 करेक्टर में आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल का आईडी नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे या फिर हॉस्पिटल का नेम फिल करेंगे और डेट ऑफ डिस्चार्ज आप फिल करेंगे। देन आपको अपलोड करनी है फाइल्स, जैसे कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रीटमेंट के हो गए या फिर आपके एडमिशन स्लिप हो गई। और एक तरीका और है, अगर आपकी शिकायत इसमें नहीं आ पाती है तो आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिंट करिए, अपनी शिकायत को टाइप करिए, देन उसका PDF बना के आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो वो शिकायत आपकी ज़्यादा अपलोड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस है, अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो एक वर्ड फाइल में लिखिए और उसे PDF बनाइए, देन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड ऑडियो वीडियो, अगर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो है बिहेवियरल की कि आपके साथ कैसा बिहेव किया गया, तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। देन डिक्लेरेशन बॉक्स, कंसेंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाती है। हाल फिलहाल मेरे यहाँ किसी प्रकार की अभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं इसी करके तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन प्रोसेस यही सेम है, आपको ऐसे ही करना है। अगर आपके साथ आयुष्मान कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है या फिर कोई मिसबिहेव किया जाता है तो आप ऐसी रिक्वेस्ट ग्रीवेंस अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। इमीडिएट इस पर एक्शन लिया जाता है और हॉस्पिटल को आपको पैसे भी पे करने पड़ जाएंगे अगर हॉस्पिटल ने आपसे कोई चार्ज लिया है तो, क्योंकि अभी अभी 30-30 लाख रुपए हॉस्पिटल ने बेनिफिशरीज को प्रदान किया था जब उसके डिपार्टमेंट में उसके स्टाफ के द्वारा कुछ ऐसी लापरवाहियां की गई थी। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपनी ग्रीवेंस यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि आप आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अगर इलाज नहीं किया जाता है तो आप इसकी कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।